हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुर्गेश और हम लोग इस वीडियो में लाइक बटन इम्प्लीमेंटेशन का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग बनाएंगे डाओ। जी हाँ, हम लोग ऐसे क्लासेस बनाएंगे जो हमारी जावा के क्लासेस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाएंगी, लाइक्स को सेव कर पाएंगी, लाइक्स को फेच कर पाएंगी और लाइक को काउंट कर पाएंगी कि किस पोस्ट पे कितनी लाइक्स है। ये सारी डाओ, डाओ मीन्स डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऐसी क्लासेस होती हैं जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करती हैं। दैट मीन्स यही क्लासेस हैं, इनके अंदर डेटाबेस की फंक्शनैलिटी लिखी जाएगी। तो लाइक के सारे डेटाबेस ऑपरेशंस हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं और मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास के अंदर वो सारे पहले से ही मेथड बना लेंगे और फिर उन्हीं मेथड को जब भी मुझे लाइक कराना होगा किसी पोस्ट पे, तो मैं उसी मेथड को कॉल कर लूंगा, डू लाइक या फिर क्रिएट लाइक, ऐसे करके मेथड को कॉल करता रहूंगा। जब मुझे लाइक्स चाहिए होंगे किसी पोस्ट पे, तो मैं क्या करूंगा, उस पोस्ट की आईडी दे दूंगा और मुझे लाइक मिल जाएंगे उस पोस्ट के। तो ये सारे डाओ हम इस वीडियो में हम लोग डाओ को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारी सर्वलेट और जेएसपी की सीरीज नहीं एक्सेस की, तो यहाँ पे आप एक्सेस कर लीजिए और इसको आप बुकमार्क भी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें इसमें अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में सीख सकते हो। इवन 64 वीडियोज़ हो गई और इसमें सर्वलेट और जेएसपी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट भी है। आप ये प्रोजेक्ट सीखते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं सीखोगे, इसमें वो सारे कॉमन मॉड्यूल सीखोगे, प्रोफाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल, रजिस्टर मॉड्यूल और एकदम अजैक्स के थ्रू सीखोगे, जो मॉडर्न तरीके की वेबसाइट्स होती हैं वैसे आप बना पाओगे। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो, बट अगर आप सर्वलेट ऑलरेडी आपको आता है तो आप डायरेक्ट, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है फुल एडवांस जावा प्रोजेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट सीख सकते हो। तो मेक श्योर आप दोनों प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर लीजिए। और ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, कोई वीडियो बीच की देखते हैं और मुझसे बोलते हैं कि सर आप पहले की वीडियो बनाइए, बाद की वीडियो बनाइए, इक्लिप्स कॉन्फिग्रेशन की वीडियो बनाइए, सेशन की वीडियो बनाइए। तो मैं उनको ऑलरेडी बता दूं कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बना के रखी हैं, कैसे आप नेटबीन्स इंस्टॉल करोगे, कॉन्फिगर करोगे, इवन इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करोगे, जबकि मैंने इक्लिप्स यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया। तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट को सारी देख लीजिए और आपको कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे मिल जाएगा। और अगर आप कोई गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आंसर आपका आउटपुट गलत आता है, फिर आप परेशान हो जाते हो कि सर मैंने वीडियो में वैसे ही किया है, आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक वहां पे कर दी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करिए, उसके बाद खुद सीखिए और खुद करिए। तो चलिए आप फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं, एक वीडियो दो वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ ओपन है नेटबीन्स आईडी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो नेटबीन्स आईडी में, और मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आप इक्लिप्स यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही सर्वर बनता है, वैसे ही जेएसपी बनती है, वैसे ही सर्वर चलता है, एग्जैक्ट डिट्टो सेम है, बस आपको इंटरफेस बदला मिलेगा और कुछ नहीं। वहाँ पे चीज़ें बस आपको दिखने वाली चीज़ें अलग हैं, बाकी सबको सेम है, थोड़ा सा कॉन्फिग्रेशन अलग है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप सीरीज़ में जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे पास डाओ बनाना है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट मीन्स वो कोड लिखना है जो डेटाबेस में हमारी वैल्यूज को इंसर्ट कर दे, वहां से फेच कर ले। तो देखो मैंने यहाँ पे, देखो जब हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया टेक ब्लॉग, यहाँ पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फोल्डर है, एक वेब पेजेस का फोल्डर है और यहाँ पे सोर्स पैकेजेस का फोल्डर है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। वेब पेजेस के अंदर मोस्टली यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट्स आते हैं, जैसे CSS हो गया, HTML वगैरह हो गया या JSP वगैरह हो गया, और जो जावा का डायनेमिक कंटेंट होता है वो हमेशा सोर्स पैकेजेस के अंदर आता है। तो इस सोर्स पैकेजेस के अंदर अगर मैं आता हूँ तो मैं वेब पेजेस को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मुझे वेब पेजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डाओ क्लासेस लिखेंगे। और डाओ क्लासेस का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अभी तक आपने यूजर डाओ भी नहीं समझ में आया, बाकी डाओ नहीं समझ में आया, तब भी आप इससे समझ सकते हो, लाइक डाओ से आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। तो अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो वहां देख लीजिए, बट फिर भी आप ये देखते हो तो मैं आपको चीजें समझा दूंगा सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैंने पैकेजेस बना रखे हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके की क्लासेस होती हैं, कुछ डाओ होती हैं, कुछ सर्वलेट होती हैं, कुछ एंटिटीज होती हैं और कुछ क्लासेस हम लोग हेल्पर के लिए बनाते हैं। तो मैंने खुद सोच के खुद दिमाग लगाया कि भाई अगर क्लासेस अलग अलग कैटेगरी की हैं तो मैं उनको डिवाइड कर लूंगा, मैं एक पैकेज बना लूंगा डाओ, जिसके अंदर देखो डाओ मैंने रखा है, पोस्ट डाओ, यूजर डाओ, इसी तरह मैं एक एंटिटीज बना लूंगा, तो इसलिए यहाँ पे देखो मैं एंटिटीज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसी तरह मैं यहाँ पे हेल्पर
हेल्पर में मैंने हेल्पर क्लासेस रखी हैं और सर्वलेट्स में मैंने सर्वलेट क्लासेस रखी हैं। तो मैंने कैटेगराइज कर लिया। आप खुद सोचो, कोई आप सपोज आप एक हाउस बनवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, तो आप क्या करते हो, उस घर के अंदर अलग अलग रूम्स क्रिएट करते हो। रूम्स किस लिए क्रिएट करते हो, भाई ये इसका रूम है, ये इसका रूम है, ये इसका रूम है, ये इसका रूम, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। आप ऐसा तो करते नहीं कि भाई एक हॉल बना दिया उसी में पूरी फैमिली रह रही है, उसी हॉल में सब किचन उचन खाना बन रहा है, ऐसा तो करते नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने भी ऐसा ही काम किया, एक ही में अगर सारी चीज़ बना देंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। वो कोड अंडरस्टैंडेबल, मॉडिफिएबल, और आप उसको मॉडिफाई करने में इतना आसान नहीं रहेगा, आप समझने में इतना आसान नहीं रहेगा, कोई दूसरा भी नहीं समझ पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया है चीज़ों को, एक पैकेज बना दिया जिसके अंदर डाओ रखा है। तो बेसिकली हमें इस डाओ पैकेज के अंदर com.tech.block.dao पैकेज के अंदर हमें डेटाबेस वाली क्लासेस सारी मिल जाएंगी, जो कॉल कर रहे होंगी डेटाबेस को, या फिर डेटाबेस में हमारे चीज़ों को स्टोर कर रहे होंगी, फेच कर रहे होंगी। जैसे आप देख पाओगे तो यहाँ पे मैंने पोस्ट डाओ लिखा हुआ है और यूज़र डाओ लिखा हुआ है। इसी तरह हम लोग राइट क्लिक करके एक नई क्लास बनाएंगे, लाइक डाओ। तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सिंपली जावा क्लास, और जावा क्लास में हम लिख देंगे लाइक डाओ। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे नेटमीन्स ने हमें सिंपली एक जावा की क्लास बना दी है, और हमें वही क्लास, जावा की क्लास एग्जैक्टली वही क्लास चाहिए भी चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस कमेंट को हटा देंगे। कमेंट इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं क्लीन कर दे रहा हूँ कोड, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ। अदरवाइज कमेंट इंपॉर्टेंट है, आप डॉक्यूमेंट जरूर करिए अपने कोड को, अदरवाइज आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे, याद रखना, या दूसरा भी कोई पढ़ेगा तो चीज़ें नहीं समझ में आएगा। तो कमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहाँ पे लाइक टेबल बनाई है जिसमें तीन कॉलम्स हैं। LID ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसका मुझे ध्यान भी नहीं देना है। एक PID और एक यूज़र ID, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PID और यूज़र ID बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे रो को इंसर्ट करे। दैट मीन्स आपने सपोज लाइक किया तो आप यूज़र हो, आप लाइक कर रहे हो, तो आपकी ID और किस पोस्ट पे लाइक कर रहे हो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, खटाक से आपकी ID आ जाए और पोस्ट की ID आ जाए, इंसर्ट हो जाए। तो ये इंसर्शन करने के लिए हम लोग DAO में सबसे पहला ही फंक्शन बनाएंगे, देखना, हम लोग पहला ही फंक्शन बनाएंगे पब्लिक void do like या insert like। और ये दो चीज़ ले रहा होगा, अभी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। अब इंसर्ट लाइक में आप ऐसा कोड लिखोगे कि यहाँ पे वो वैल्यूज लेके आ जाए, यहाँ पे वैल्यूज लेके आ जाए, लेकिन वैल्यूज में आप यहाँ इसको पास भी करोगे, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन को, इंसर्ट मेथड को दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए इंटीजर पोस्ट आईडी कॉमा इंटीजर UID, यूज़र की आईडी कौन सा यूज़र लाइक कर रहा है और पोस्ट आईडी किस पोस्ट पे लाइक कर रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी आ गई, पोस्ट आईडी, अब इसको ऐसा कोड लिखना है। अब कोड लिखने के लिए यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइडर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन मिलेगा आपको कनेक्शन प्रोवाइडर से। तो आप एक वेरिएबल बना लीजिए कनेक्शन। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपोर्ट कर लीजिए java.sql की सारी क्लासेस, और यहाँ पे यूज़ कर लीजिए कनेक्शन नॉट कलेक्शन, ठीक है, कौन। अब इस कॉन में वैल्यू आप कहां से लाओगे, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आप ऑल्ट और इंसर्ट की प्रेस करिए और यहां पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करिए और कंस्ट्रक्टर में इसको चेक कर दीजिए और जनरेट कर दीजिए, तो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब होगा क्या, जब आप इस लाइक डाओ का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कभी भी आप लाइक डाओ का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस केस में आपको एक कनेक्शन पास करना होगा, और जो भी कनेक्शन आप पास करोगे वो इस वाले कनेक्शन में आ जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब मुझे एक इंसर्ट क्वेरी लगानी है इस टेबल के लिए, इंसर्ट क्वेरी लगानी है यहाँ पे देखो, जिसमें हमें ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें इंसर्ट करनी है। तो चलिए भाई, सबसे पहला ही स्टेप है, आप ट्राई कैच लगा दीजिए, क्योंकि आने वाली है एक्सेप्शन। अगर कुछ भी क्वेरी गलत हुआ या कुछ भी गलत हुआ तो आ जाएगी एक्सेप्शन, तो हम लोग पहले से ही ट्राई कैच लगा के उस एक्सेप्शन को क्या कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ट्राई कैच। अब हम लोग क्वेरी बनाएंगे और क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्वेरी सिंपल बना देते हैं। आप अगर एक्सपर्ट हो तो एक ही लाइन में कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ तो मैं अलग अलग स्टेप में आराम से करूँगा, तो आप समझ पाओगे। तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, यहाँ से आप देख लीजिए टेबल का नाम है लाइक, ये देखिए लाइक, तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू लाइक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको तीन चीज़ पास करनी है इंसर्ट इनटू लाइक। तो आपको सबसे पहले बताना है कौन कौन से कॉलम, फिर हम बताएंगे वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है, ठीक है, ये तीन चीज़ बतानी है। तो लाइक करते समय आपको LID चाहिए होगी, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। PID और UID, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P, ID,
और फिर हम लिखेंगे यू आई डी, परफेक्ट। और वैल्यूज में हमें पी आई डी सबसे पहले यहाँ पे लानी है, फिर यू आई डी लानी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। अब मैं बाद में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डालूंगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डालूंगा, तो बना लूंगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो मैं लिखूंगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पी इज इक्वल टू कौन से बोलेंगे भैया, दिस डॉट कौन डॉट प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसको हम पास कर देंगे अपनी क्वेरी। परफेक्ट, क्वेरी पास कर दी। अब हम वैल्यूज को सेट करेंगे, दैट मीन्स हमें पी की हेल्प से इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ये सारी चीज़ें मैं JDBC में सिखा चुका हूँ। अब JDBC की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो वहाँ पे जाके एक्सेस कर लीजिए, एकदम डिटेल मैंने इस चीज़ों को सिखाया है, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी की हेल्प से बोलेंगे सेट इंट, क्योंकि ये वैल्यूज जो है इंटीजर टाइप की हैं, और मैं कहूँगा पहले क्वेश्चन मार्क पे मुझे चाहिए पी आई डी। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क पे एग्जैक्टली वही करूँगा, और दूसरे क्वेश्चन मार्क पे यू आई डी। जब आप ये कोड लिख दोगे तो प्रिपेयर पी क्या करेगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करेगा, पहले क्वेश्चन मार्क पे पी आई डी उठा के डाल देगा, तो पहले क्वेश्चन मार्क पे पी आई डी आ जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन मार्क पे यू आई डी आ जाएगा। परफेक्ट, जब आपका ये काम हो जाएगा तो आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्वेरी इंसर्ट की क्वेरी है, तो ये कोई डेटा आपके लिए वापस नहीं ला रही है, दैट मीन्स आप डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। उस केस में आपको चलाना यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट, परफेक्ट। अब अगर सब कुछ सही सही चलेगा तो यहाँ पे चीज चलेगी, मतलब लाइक हो चुका है, डेटा वहाँ तक पहुँच चुका है, और डेटा वहाँ तक पहुँच चुका है तो मैं क्या करूँगा, इसको बुलियन कर दूंगा, इसका रिटर्न टाइप बुलियन कर दूंगा, दैट मीन्स लाइक हो चुका है, और यहाँ से मुझे रिटर्न करना है ट्रू। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लाऊंगा और मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा बुलियन, और f की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दूंगा, और फॉल्स करने के बाद इस बुलियन को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा फ्लैग को। और अगर ध्यान से देखो, अगर सही सही सब कुछ चला है, लाइक हो चुका, तो एफ़ की वैल्यू मैं ट्रू कर दूंगा। तो अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखो, इससे होगा कि अगर आपका लाइक हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ तक वैल्यू पहुँच चुकी है, तो एफ़ की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और यहाँ से रिटर्न होगा, एफ मतलब ट्रू रिटर्न होगा। बट अगर यहाँ पे सपोज एरर आ गई तो वो आ जाएगा एक्सेप्शन में, उस एक्सेप्शन आ जाएगी, कैच ब्लॉक में आ जाएगा, और एफ़ की वैल्यू ट्रू नहीं हो पाएगी। उस केस में यहाँ से एफ रिटर्न होगा फॉल्स, दैट मीन्स कुछ एरर आ गई है लाइक होने में। तो हम यहाँ से चेक भी कर पाएंगे कि हमारा लाइक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मान लो हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये लाइक एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या एरर आ रही है और सॉल्व करेंगे। कभी भी आप प्रोग्रामर हो तो एरर से डरिए मत, आप एरर देखिए, समझिए क्या एरर आ रही है, उसको सॉल्व करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर नेक्स्ट बार हमें क्या करना है जिससे कि वो एरर ना आए, तो एरर से प्रोग्रामर जब लड़ता है तभी चीज़ें सीखता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एरर आ गई आप डर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए बन गया इंसर्ट वाला बन गया। अब हमें दो फंक्शन और बनाने हैं। सबसे पहला फंक्शन है, हमें यहाँ पे काउंट करना है कि किस पोस्ट पे कितने लाइक आए हैं, हमें काउंट करना है किस पोस्ट पे कितने लाइक आए हैं। तो ध्यान से देखना, पोस्ट पे कितने लाइक आए हैं, दैट मीन्स हमें पोस्ट की आईडी देनी है और हमें वहाँ पे काउंट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे बना लेंगे एक और फंक्शन, हम लिख देंगे इंट, इसका रिटर्न टाइप, और हम लिख देंगे काउंट लाइक ऑन पोस्ट। हम क्या लिख देंगे, काउंट लाइक ऑन पोस्ट, जिससे कि हम लोग पोस्ट पे लाइक काउंट पर कर पाए। और इस फंक्शन को हम मेथड को हम लोग देंगे पोस्ट की आईडी, तो हम लिख देंगे यहाँ इंटीजर पी आईडी। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे तो पोस्ट की आईडी दोगे, और बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूंगा काउंट, और काउंट में रख दूंगा जीरो। मतलब अगर कोई भी लाइक नहीं है तो ऑब्वियसली बात जीरो होगी। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसी काउंट को रिटर्न कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसी काउंट को यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो जीरो तो इनिशियली रिटर्न होगा ही होगा, बट बीच में हम काउंट करके काम कर देंगे। तो हमें क्वेरी चलानी है, देखो भाई हमें एक क्वेरी चलानी है। सबसे पहले मैं क्वेरी लिख देता हूँ कि काउंट की क्वेरी कैसे होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले समझाता हूँ आपको, स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो काउंट किसी पोस्ट पे कितनी लाइक है, काउंट कैसे करोगे, ध्यान से देखो, आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि उस पीआईडी की कितनी रोज हैं, उस पीआईडी की कितनी रोज हैं। तो रोज को काउंट करने के लिए आप कैसे लगाते थे, सेलेक्ट काउंट, और आप यहाँ पे लिखते थे ऐसे करके, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब रोज, सारे हमें क्या करना है, कॉलम्स पे मुझे ध्यान नहीं देना, बट आप चाहते हो तो यहाँ पे एलआईडी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एलआईडी भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे सारी रोज काउंट करूंगा। फ्रॉम किस टेबल से, लाइक टेबल से। लेकिन अगर आप ऐसे ही क्वेरी चला दोगे तो सारी रोज आ जाएंगी, कितनी रोज हैं। तो मैं लगा दूंगा वेयर कंडीशन, वेयर पी आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम उन्हीं रोज को काउंट करेंगे जिसमें पी आई डी मुझे मिलेगी, दैट मीन्स अगर आप टू
टू दूसरे पोस्ट पे देखना चाह रहे हो जिसकी आईडी टू है, कितनी लाइक्स हैं, तो यहां पे काउंट करेंगे वही वही रोज जिसकी पीआईडी टू मिलेगी, तो वही रोज काउंट होके मेरे पास आएगी। सपोज उस टू की दो रोज हैं तो यहां पे टू रिटर्न हो जाएगा, टू रिटर्न हो जाएगा। मैं एक बार एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं सपोज काउंटिंग क्वेरी कैसे चलती है, तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। सपोज इसी में हम लोग क्वेरी चला के देखते हैं। सपोज हमें काउंट करना है यूजर, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे यूजर हैं, ये देखो बहुत सारे यूजर हैं, तो हमें काउंट करना है कि कितने यूजर हैं। तो क्वेरी सिंपली आप देखोगे, मैं यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट काउंट, और काउंट में सारी रोज फ्रॉम यूजर। अब ये क्वेरी चला दूंगा तो मैं यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और एग्जीक्यूट पे जाऊंगा और एग्जीक्यूट क्वेरी पे क्लिक कर लूंगा, तो आप देखोगे काउंट में क्या आ रहा है, एट रोज है, मतलब एट यूजर्स हैं, ऐसा समझ सकते हैं। बट अगर आपको समझना है, ध्यान से देखो, अगर आपको ये काउंट करना है कि भैया आपको ये काउंट करना है कि कितने यूजर हैं जिनका पासवर्ड एबीसी है, कितने यूजर हैं जिनका पासवर्ड एबीसी है, तो आप यहां पे वेयर कंडीशन लगा दीजिए, वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू एबीसी। अब ये क्वेरी दे देगी उन रोज को, वो रोज काउंट करके दे देगी जिसका पासवर्ड एबीसी है। तो आप समझ लो छह लोगों का पासवर्ड एबीसी है, छह लोगों का पासवर्ड क्या है, एबीसी है। ऐसा करके आप ये भी काउंट कर सकते हो कितने मेल है कितने फीमेल है। तो यही क्वेरी मैंने वहां पे लगाई थी, और ये क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजों को काउंट करने के लिए, चीजों को काउंट करने के लिए चीज याद रखिएगा। और ऊपर आप देख पाओगे तो काउंट एस्ट्रिक, ये अभी ये कॉलम की जरूरत भी पड़ेगी हमें, इस वाले कॉलम की जरूरत भी पड़ेगी वहां पर डेटा फेच करने के लिए। तो अब हमको ये क्वेरी फायर करनी है, तो क्वेरी एग्जैक्टली वैसे फायर होगी, पहले हमें इस पीआईडी को यहां पर प्लेस करना पड़ेगा, और वो काम करेंगे हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से। तो हम यहां पे एक प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट फिर से लेंगे, p इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन डॉट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और हम यहां पे पास कर देंगे अपनी क्वेरी q। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों मैंने यहां पे भी लिखा, ऊपर वाले फंक्शन में भी लिया था, तो वही क्वेरी तो नहीं है, एक्चुअली वो क्वेरी नहीं, ये वाला q मतलब दिस q, ये वाला क्यों मतलब दिस क्यों, क्योंकि हम लोग लोकल वेरिएबल बना के काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कोर जावा का लोकल वेरिएबल्स, तो लोकल वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल, उन वेरिएबल का स्कोप उसी मेथड के अंदर होता है जिनके अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहां पे अगर हम देख पाए तो यहां पे क्यू जो मैंने बनाया है सिर्फ लोकल ऐसी वेरिएबल के अंदर, तो जहां भी इस मेथड के अंदर आप क्यू यूज करोगे दैट मींस आप इसी लोकल वेरिएबल को यूज करो। तो यहां पे आएगी एक्सेप्शन, तो हम लगा देंगे ट्राई कैच, तो ट्राई कैच मत लगाइए, ट्राई कैच लगाना मत भूलिए, ट्राई कैच लग गया। और यहां पे कंसोल पे एक्सेप्शन प्रिंट करना भी मत भूलिए, और यहां पे आप रिपेस्ट स्टेटमेंट इसके अंदर बनाइए। और यहां पे अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाली पीआईडी लानी है। तो फ्रेंड्स यहां पे आप लिखोगे पी डॉट सेट, ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, नहीं इंटीजर टाइप की है पीआईडी, तो आप लिखोगे इंटीजर पहले क्वेश्चन मार्क पे पीआईडी, आ गया परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेरी फायर कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे पी डॉट एग्जीक्यूट, और आप रिजल्ट क्या कर रहे हो, यहां पे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको जब काउंट करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ डेटा आएगा, तो आप यहां लिखोगे एग्जीक्यूट क्वेरी, परफेक्ट, और आपको रिजल्ट सेट मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे रिजल्ट सेट, परफेक्ट, तो यहां पे सेट आ जाएगा, सेट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको काउंट वाली वैल्यू निकाल के इस काउंट में रख देनी है। तो आप लगाओगे इफ अगर इन केस सेट कोई नेक्स्ट रो देता है, दैट मींस अगर कोई नेक्स्ट रो काउंट होने के बाद आई है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। तो हम लोग ध्यान से देखिए, हम लोग काउंट में रखेंगे काउंट इज इक्वल टू और हम लिखेंगे सेट डॉट गेट इंटीजर, क्योंकि काउंट जो होगा वो इंटीजर आएगा, रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे सिंपली आप वन लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, वन मतलब पहला ही कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो, काउंट ब्रैकेट में स्टार, तो ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा यहाँ पे 6। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो काउंट स्टार ये वाली चीज, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये वाला व्यू आएगा, तो इस कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी आपको और काउंट में आ जाएगी। तो 8 लाइक होंगी उस पोस्ट पे, तो 8 इसमें आ जाएगा और 8 रिटर्न हो जाएगा। और बाय चांस कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0, वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 0। तो अगर एक भी वहां पे नहीं है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू है तो वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो ये चीज़ है लाइक को काउंट कर लेंगे हम लोग। तो दो फंक्शन हम लोग के बन गए भाई, एक फंक्शन बन गया इंसर्ट करने के लिए और एक लाइक करने के लिए। अब हमें एक चीज़ और देखना है, हमें एक चीज़ देखना है कि क्या किसी पोस्ट पे किसी यूज़र का लाइक ऑलरेडी है कि नहीं है। मतलब जैसे मान लो मेरे सामने एक पोस्ट दिख रहा है, तो जब सॉफ्टवेयर मुझे दिखा रहा होगा वो चीज़, तो वो ऑलरेडी हमें वही बटन दिखाएगा,
वो ऑलरेडी वही बटन दिखाएगा। अगर मैं ऑलरेडी लाइक कर चुका हूँ तो वो मुझे लाइक की बटन डिसेबल कर देगा, या ऑलरेडी लाइक दिखा देगा, या लाइक को डिसलाइक करके दिखाएगा। तो वो पता कैसे लगाएगा कि भैया ये बंदा इस पोस्ट को ऑलरेडी लाइक कर चुका है कि नहीं कर चुका। तो यहाँ पर ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे, ऐसा एक मैथड बनाएंगे जिससे ये पता चल जाए कि उस बंदे ने लाइक किया है कि नहीं किया है किसी पोस्ट को। और अगर उसने लाइक किया है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ये दिखाएगा कि आप लाइक कर चुके हो। अब अगर आपने बटन दबा दिया तो डिसलाइक हो जाएगा, और अगर मैंने लाइक नहीं किया है तो वो बटन दिखाएगा लाइक वाली, अब अगर आप लाइक करोगे तो वो लाइक होगा। तो कैसा पता लगाएंगे कि किसी बंदे ने किसी पोस्ट को लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया, किसी बंदे ने किसी पोस्ट को लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया, ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे। ये चीज़ आप 2 मिनट लीजिए और इस टेबल को देख के हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे पता लगाओगे किसी यूज़र ने किसी पोस्ट को लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम, आप खुद सोचिए कि इसमें अगर एक यूज़र है, आप यूज़र है जिसकी यूज़र आईडी है, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। सपोज़ इस पोस्ट, इस कलेक्शन वाले पोस्ट पे एक लाइक आया है और यूज़र ने किया है 8th यूज़र ने किया है। अब आप ये पता लगाना चाहते हो कि क्या 8th वाला यूज़र ने फर्स्ट पोस्ट पर लाइक किया है या फिर 9th वाले यूज़र ने फर्स्ट पोस्ट पर लाइक किया है। तो कैसे पता लगाओगे, मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेरी इस क्या करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। सपोज़ आपके पास ऐसा चेक करना है कि 8th वाले यूज़र ने फर्स्ट वाले पोस्ट पे लाइक किया है कि नहीं लाइक किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं क्वेरी लगाने की कोशिश करूँगा। मैं लगाने की कोशिश करूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लाइक, और यहाँ पे लगाऊंगा वेयर अगर पोस्ट आईडी 1 एंड यूज़र आईडी 8, अगर 8 वाले यूज़र और पोस्ट आईडी 1 ये वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर कोई ड्रो सेलेक्ट हो गई, दैट मींस लाइक्ड ऑलरेडी है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, उसको हम लोग सही करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने अपनी टेबल का नाम लाइक रख दिया, लेकिन लाइक नाम से ऑलरेडी एक कीवर्ड अवेलेबल है MySQL में, तो हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, हम अपनी टेबल को थोड़ा सा रीनेम करेंगे कुछ भी इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऑल्टर टेबल पे, और ऑल्टर टेबल पे जाने के बाद हम लोग इसका नाम दे देंगे लाइक्ड नाम दे देंगे और सेव कर देंगे। बस इतना सा चेंज आपको करना है और कॉन्सेप्ट वही रहेगा एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक्ड नाम से ऑलरेडी टेबल है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम बदल रहे हैं और कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही क्वेरी फायर करेंगे, हम चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और अगर उस नाम से हमें कोई बंदा मिलता है तो हम लोग समझ जाएंगे उस पोस्ट पे वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लाइक्ड वेयर, हम लिखेंगे पी आई डी अगर 1 है और साथ ही साथ में यू आई डी अगर 8 है। अगर हमें ऐसा बंदा मिलता है, कोई भी रो मिलती है, दैट मीन्स लाइक्ड इस पोस्ट पे ऑलरेडी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे मिल गया, एक रो मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे इस पोस्ट पे एक लाइक ये बंदा कर चुका है। और अगर कर चुका है दैट मीन्स ये लाइक हमें वहाँ पे दिखाना है फ्रंट एंड पे। तो हम लोगों ने टेबल का नाम चेंज कर दिया और यही क्वेरी हम लोग वहाँ से फायर करेंगे ये चेक करने के लिए, अगर एक भी रो मिल गई तो हम वहाँ से क्या करेंगे, ये समझ जाएंगे कि भैया इस पोस्ट पे ऑलरेडी ये लाइक्ड है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टेबल का नाम चेंज किया है। तो आप क्या करोगे, आप आ जाओगे अपने डाओ में और जहाँ पे दोनों फंक्शन आपने बनाए थे वहाँ पे आपको सिंपली लाइक की जगह लाइक्ड कर देना है, कोई इशू नहीं, बस थोड़ा सा चेंज है, लाइक कर देना है। और मैं एक फंक्शन और बना लूँगा ये चेक करने के लिए क्या किसी पोस्ट पे किसी यूज़र ने लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो मैं लिखूँगा पब्लिक बुलियन इज लाइक्ड बाय यूज़र, क्या यूज़र पोस्ट को लाइक कर दिया है, और यहाँ पे मैं बुलियन ले लूँगा और f की वैल्यू फॉल्स कर दूंगा, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बंदे ने लाइक नहीं किया है तो मैं रिटर्न करूँगा और यहाँ पे f को रिटर्न कर दूंगा। तो बंदे ने लाइक नहीं किया है अभी, और मैं क्या करूँगा सिंपली देखो, अगर लाइक कर चुका होगा तो मैं f की वैल्यू ट्रू कर दूंगा और यहाँ पे मैं लूँगा इंटीजर पी आई डी, तो लेनी पड़ेगी, ये चेक करना है किस पोस्ट पे लाइक किया है। साथ ही साथ में यहाँ पे मैं यूज़र आई डी भी ले लूँगा ये चेक करने के लिए किस यूज़र ने लाइक किया है कि नहीं किया है। अब सिंपली मुझे क्वेरी लगानी, एग्जैक्टली वही क्वेरी लगानी है, तो मैं सिंपली फिर से क्या करूँगा, सबसे पहले ट्राई कैच लिखूँगा और मैं क्वेरी जो मैंने यहाँ पे लगाया था यही क्वेरी मुझे चेक करनी है, कौन सी, ये वाली क्वेरी चेक करनी है, ये वाली। तो यहाँ पे आते हैं और हम लोग सिंपली इस बार डायरेक्ट करते हैं, हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट पी इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको देना है प्रिपेयर स्टेटमेंट
और आपको अपनी क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लाइक्ड, ठीक है, लाइक को लाइक्ड समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लाइक नाम से ऑलरेडी कीवर्ड है MySQL में, तो क्वेरी फायर करोगे तो उसकी मीनिंग ऑलरेडी पता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ लाइक कर दिया था। अब लिखूंगा वेयर पी आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड यू आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग को फिर से दोनों वैल्यूज को सेट करना है, तो सेट करना बहुत ईजी है, आप पी डॉट सेट इंटीजर, आप पहले क्वेश्चन मार्क पे पी आई डी लिख दीजिए, सेट कर दीजिए, और दूसरे क्वेश्चन मार्क पे आप यू आई डी को सेट कर दीजिए। परफेक्ट, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब हमको चेक करना है क्वेरी फायर करके कि क्या कोई रो सेलेक्ट हो रही है। देखो हम कहेंगे इफ क्या कोई रो सेलेक्ट हो रही है, तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप क्वेरी फायर कर दो, पी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, सेलेक्ट करके डेटा ये लाएगी, रिजल्ट सेट में दे देगी, तो हम यार रिजल्ट सेट एक वेरिएबल ले लेंगे और हम चेक करेंगे रो, हम लगाएंगे इफ अगर सेट में मुझे कोई नेक्स्ट मिलता है दैट मीन्स हमारा लाइक हो चुका है, और एफ की वैल्यू मैं ट्रू कर दूंगा। परफेक्ट, दैट मीन्स अगर ट्रू आ गया, कोई रो सेलेक्ट हो गया, तो इस यूजर ने इस पोस्ट पे पहले से ऑलरेडी लाइक कर दिया, तो मुझे अब लाइक नहीं करवाया, अब वही बटन्स ने क्लिक कर दी तो डिसलाइक हो जाएगा, अब वही बटन्स ने क्लिक कर दी तो डिसलाइक हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, डिसलाइक हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन फंक्शन हमने डाओ में बनाए, एक इंसर्ट लाइक जो लाइक को ले जाके डेटाबेस में सेव करेगा, लाइक वाली टेबल में सेव करेगा, और एक फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे काउंट लाइक ऑन द पोस्ट, पोस्ट पे लाइक करने काउंट करेगा, ये पोस्ट की आईडी दो गई है उस पोस्ट पे लाइक करके बता देगा इज लाइक्ड बाय यूजर, क्या वो पोस्ट यूजर लाइक कर चुका है, अगर लाइक कर चुका है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिर्फ लाइक को इंप्लीमेंट करने के लिए, सिर्फ उसे लाइक को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप डिसलाइक भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो हम लोग एक चीज और यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, एक चीज हमें यहाँ पे डिसलाइक वाला भी काम करना पड़ेगा, एक डाओ मेथड और लिखना पड़ेगा जो यहाँ से उस यूजर आईडी और उस पोस्ट से पोस्ट की वैल्यू, उस पोस्ट वाली रो को यहाँ से उड़ा सके, मतलब डिसलाइक करा सके। तो अगर कहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो मिनट टाइम लगेगा, क्या पता हमें आगे चल के लाइक के साथ साथ डिसलाइक भी इंप्लीमेंट करना हो, तो हम लिख देंगे प्लीज बुलियन मैं लिख दूंगा डिलीट लाइक, और एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वही है, बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा समझ लूंगा कि या आप इसको वॉइड भी कर दिए, या आप ऐसे कर दिए, यहाँ पे कर दिए बुलियन, एक बुलियन ले लीजिए वेरिएबल, और बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए ऑपरेशन आपका फॉल्स हो गया है, और इसको रिटर्न कर दीजिए, मतलब सक्सेसफुल नहीं है एफ को, और अगर सक्सेसफुल होगा तो इस एफ की वैल्यू हम ट्रू कर देंगे। और क्वेरी मुझे कौन सी फायर करनी है, ध्यान से सब लोग देखते जाइए, मैं करूँगा क्वेरी फायर में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब मुझे लग रहा है ये चीज़ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतनी बार कर चुके हो कि आपको रट गई होंगी चीज़ें, मैं लिखूँगा कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और मैं इसके अंदर लिखूंगा क्वेरी डिलीट करने की। तो देखो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम लाइक्ड वेयर, अब मुझे उस पोस्ट और उस आईडी को डिलीट करना है जो हम यहां पे पास करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे पी आई डी कॉमा इंटीजर यू आई डी, ठीक है। अब इसी पोस्ट और इसी यूजर वाली रो को डिलीट करना है, तो मैं लिख दूंगा वेयर पी आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, PID is equal to question mark and UID is equal to question mark. अब ये क्वेरी हमें सिंपली क्या कर देनी है, फायर कर देनी है। तो क्वेरी कैसे फायर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे और सबसे पहले दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेट करेंगे, तो हम लिखेंगे पी डॉट सेट इंट, और पहले क्वेश्चन मार्क पे जाएगा PID, क्योंकि हमेशा हम पहले क्वेश्चन मार्क पे PID लिए हैं, और दूसरे क्वेश्चन मार्क पे जाएगा UID। परफेक्ट, तो यहाँ पे आ गया होगा PID और यहाँ पे आ गया यूजर ID। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और अगर आप कोई डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, डिलीट है तो डिलीट करके इट्स ओके, तो हम लिख देंगे एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे अगर सब कुछ हो गया तो हम लिख देंगे एफ इज इक्वल टू ट्रू, मतलब आपका डिलीशन हो चुका है, डिसलाइक हो चुका है पोस्ट पे, और हम यहाँ पे लिख देंगे पी डॉट या ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, अगर कोई दिक्कत होगी तो कंसोल पे हमें दिखा भी देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे चार मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया है, लिख दिया है, चारों में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी दिक्कत होगी तो हम लोग जैसे जैसे वीडियोस में वीडियो बनाते जाएंगे, और मैं आपको अगर कोई दिक्कत होती तो मैं सही करके भी दिखाऊंगा, जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, बट होपफुली 95% चांस है कि इन सारे मेथड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेथड सारे यहाँ पे चलेंगे। मेथड मतलब फंक्शनैलिटी, इंसर्ट लाइक, काउंट लाइक ऑन पोस्ट, इज लाइक बाय यूजर, डिलीट लाइक, तो ये चार मेथड्स
और होपफुली आप क्या करिए, इन चारों मेथड को प्रैक्टिस करिए। इनका काम क्या है, ये डाव है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट की क्लास है। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लाइक को ले जाएंगे और वहाँ से लाइक को लाएंगे, काउंट करके बताएंगे। दैट मीन्स डाव मतलब ऐसे क्लासेस होती हैं जो डेटाबेस को कॉन्टैक्ट करती हैं, उनका कुछ भी काम नहीं है। अब कहीं भी आपको लाइक कराना होगा तो आपको वो डेटाबेस की क्लासेस नहीं लिखनी होंगी, या मेथड्स या फंक्शनैलिटी अलग से नहीं लिखनी होंगी, इन्हीं को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होगी। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करिए, बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, बाय बाय।